मेरे चैनल टेस्टी फूड विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शकरकंद इस तरह से भूंज करके दिखाऊंगी जिसमें आपको आगे की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए मैंने 4 से 5 शकरकंदों को अच्छे से धो लिया है और गैस पर एक कुकर गर्म होने के लिए रखती हूँ और उसमें अंदर से एक प्लेट या स्टैंड रख देते हैं और थोड़ा सा उसमें घी डाल देंगे और जो हमारे शकरकंदे हैं उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा घी लगा लेते हैं। हल्का हल्का सा घी हमने इन शकरकंदियों पर लगा लिया है। इन शकरकंदे का स्वाद बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इन्हें हमने आग में ही भूनकर बनाया हुआ है। और देखिए इन्हें हम कुकर में रखकर ढक देते हैं और 2 से 3 सीटी लगा देंगे। देखिए 2-3 सीटी के बाद जो हमारे शकरकंदे हैं वो देखिए भूंज गए हैं। इसमें आपको पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिना पानी के बहुत ही अच्छे से शकरकंदे भूंज कर देखिए हमारे तैयार हैं। ये गर्म है तो ये देखिए तैयार है हमारी शकरकंद। के लिए आपको फलाहारी आलू बना कर दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ली है हरी मिर्च जिन्हें मैंने चॉप्ड कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें खाएं तो डाल दें अन्यथा इन्हें स्किप कर दें। 3 आलू जिन्हें मैंने बॉइल कर लिया है और छील लिया है। थोड़ा सा घी, मैंने घी भी बहुत सारा लिया है लेकिन हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है। और सौंधा नमक जिसे हमने बारीक पीस लिया है। पीनट्स यानी मूंगफली के दाने, मूंगफली के दाने आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ली है जिन्हें हमने अच्छे से कोट करके बारीक कर लिया है। अब हम गैस पर एक पैन को गर्म होने के रखते हैं और उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। ये हमारा गर्म हो गया था, उसमें मैंने अपनी हरी मिर्च चॉप्ड की हुई थी उन्हें ऐड कर डाल देते हैं और जो हमारे पीनट्स हैं उन्हें भी हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। इन्हें हम अच्छे से तल लेंगे जिससे कि हमारी मूंगफलियाँ हैं जो सॉफ्ट ना रहें। हमें 5 मिनट तक अच्छे से इन्हें चलाना है जिससे कि इनके जो अंदर की सॉफ्टनेस है वो हट जाए और ये मूँगफली हमारी कुरकुरी हो जाए। और फिर जो हमारी मैश्ड की आलुओं को हमने मैश कर लिया है उन आलुओं को डाल देते हैं। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची डाल सकते हैं। सौंधा नमक डाल देते हैं और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इन्हें हम मिक्स कर लेते हैं। और बनकर तैयार है हमारे व्रत वाले फलाहारी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, इन्हें आप जरूर ट्राई करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नई रेसिपी की वीडियो के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें।